अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ज़ाती ज़रूरत के लिए हम कर्ज़ा अप्लाई करते हैं बैंक से, और बैंक से टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हमें कतन इलम नहीं होता, जिसके बारे में हमें धक्के खाने पड़ते हैं। क्या हमें इसके बारे में इलम होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इलम होना चाहिए कि हम जो कर्ज़ा ले रहे हैं इसके ऊपर सूद है या नहीं है, इस पर मार्कअप कितना है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या जो पर्सनल लोन इसके ऊपर सूद लगता है या सूद है या नहीं है। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और आज का जो बैंक है वो है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावला खान और आप देख रहे हैं लाइट्स ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़ाती ज़रूरत के लिए हमें कर्ज़े की अक्सर ज़रूरत होती है, तो हम बैंक से अप्लाई करते हैं। अगर हम HBL से अप्लाई करेंगे तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका टेन्योर कितना है, आपको कितनी रकम मिलने वाली है, और आप उसको रिपेमेंट क्या करना है, कितना रिपेमेंट आपने करनी है, आपकी महाना जो किस्त है वो कितनी होगी, तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट किया करें ताकि नई आने वाली ऐसी हर अपडेट बर वक्त आपको मौसूल हो सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और गूगल सर्च इंजन में आपने लिखना है जी HBL पर्सनल लोन। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने पहली ये वेबसाइट है www.hbl.com। ठीक है, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन्स HBL बैंक इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेन वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अलोन फॉर एवरी ड्रीम। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसके बाद आपको सही समझ आएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, कितना लोन आपको दिया जाएगा, और महाना रिपेमेंट आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये सूद के बगैर है, ये सूद के साथ है। तो ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको जब भी आप अप्लाई करें तो आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, आपको डिफ़िकल्टी आपको पेश ना आए। सबसे पहले इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर ओवरव्यू है। ठीक है, ये ओवरव्यू का आपने देख लेना है। ठीक है, द लोन फैसिलिटी दैट प्रोवाइड यू फाइनेंशियल असिस्टेंस वेन एवर यू नीड इट, दिस विल हेल्प यू फाइनेंस योर ड्रीम एज वेल एज बी योर सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपके मुश्किल वाक्य आपका मुश्किल हालात में, ठीक है, आपको अगर लोन की ज़रूरत हो HBL पर्सनल लोन की, तो आप कैसे लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अब इसके फीचर्स डिस्कस करें जी। फीचर्स इसमें बताता चलूँ कि फीचर इसमें है फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 25,000 से लेकर कितने हैं जी, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,00,000, 10,00,000, 30,00,000 रुपये तक आपको लोन दिया जाता है पर्सनल फाइनेंस के तौर के ऊपर। अब इसकी पेमेंट रिपेमेंट कैसी है जी, रिपेमेंट टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 12 माह से 60 माह तक, मतलब आपको 5 साल के अंदर आपकी इसमें रिपेमेंट करनी पड़ेगी। अवेलेबल टू टॉप अप फैसिलिटी आफ्टर एवरी, मतलब आप एक साल के बाद भी रिपेमेंट कर सकते हैं और महाना भी इसकी आप रिपेमेंट कर सकते हैं। बाज़ दोस्त पूछते हैं जी महाना है या सालाना है, तो इसकी जो है आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल कल कर सकते हैं 12 माह की। ठीक है, और इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मौजूद है। अब इस यहाँ पर जी लोन वी या मोबाइल ऐप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आपका HBL अकाउंट है, ठीक है, HBL का आप ऐप यूज़ करके भी आप इससे बासानी लोन हासिल कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जी क्राइटेरिया आपको बताता चलें जी, क्राइटेरिया में है जी सैलरीड इंडिविजुअल हु है हु सैलरीड इज़ बीइंग क्रेडिटेड बाय द HBL अकाउंट। अगर किसी भी शख्स का HBL अकाउंट में सैलरी आ रही है तो वो इसको ले सकता है, इसको उसको वसूल कर सकता है। एप्लीकेशन टू बी 21 ईयर टू मोर देन एप्लीकेशन, यहाँ पर 21 साल से लेकर 60 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई जी, हाउ टू अप्लाई के लिए एप्लीकेंट टू प्रोवाइड, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं जी, वेरीफाइड कॉपी ऑफ CNIC, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, और उसके बाद वेरीफाइड कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, आपकी तनख्वाह की जो स्लिप है, ठीक है, आपकी जो सैलरी आती है मंथली, उसकी आपको स्लिप आपको जो है ना पेश करनी पड़ेगी। लेटर फ्राम एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपको एप्लीकेबल है, आपको जो ना एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, आपको लेटर उसको देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताता चलूँ, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, विन अ सैमसंग विद HBL पर्सनल लोन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो है सैमसंग की आपको बताया जा रहा है कि सैमसंग भी आपको इसमें, अगर इसमें अप्लाई किया है लॉन्ग पर्सनल लोन के ऊपर, तो सैमसंग की तरफ से आपको मोबाइल भी गिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी HBL पर्सनल लोन टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर डाउनलोडेड ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, जनवरी टू जून पर्सनल लोन के बारे में तफसीलात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखें, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट टाइप है, ठीक है, आपने बताना है जी एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद जी सैलरीड क्रेडिट एट HBL, अगर आप
HBL से सैलरी ले रहे हैं तो आपने येस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप गवर्नमेंट हैं प्राइवेट हैं या पेंशनर हैं। नेम आपने बता देना जी, नेम के बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए ये डब्बा सा बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर आपका है, अदरवाइज आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपने लिखना है जी, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट सिटी आपकी कौन सी है, ठीक है, तो ये नियरेस्ट सिटी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद ये लोन अमाउंट कितनी आपको चाहिए, ठीक है, आपको 30 लाख तक अमाउंट दी जा रही है तो आप कितनी लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। मंथली नेट इनकम आपकी कितनी है जी, ये आपने बताना है। ईमेल एड्रेस आपने बता देना है। डिजायर्ड लोन रिपेमेंट आप कितनी रिपेमेंट करना चाहते हैं, 12 माह 24 36 48 या 50, ठीक है, सॉरी 60, तो कितने आप जो है ना पेमेंट पीरियड आपने चाहते हैं कि आप जो है ना इस पीरियड में आप रिटर्न करना चाहते हैं जी। फाइनेंसिंग लिमिट ट्रैकिंग आपको 25,000 से 30 लाख आपको दी जा रही है जी। सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म डज नॉट गारंटी लोन अप्रूवल। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जब ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी तो ये अप्रूवल नहीं है आपका, ठीक है, फिर भी आपको जो है ना HBL पर्सनल लोन टर्म्स विल कंटैक्ट यू सून, आपको कंटैक्ट किया जाएगा, आपसे रब्ता किया जाएगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी में रिक्वायर्ड होंगे आपको वो पेश करने पड़ेंगे। और उसके बाद योर डाटा इज़ प्रोटेक्टेड एज़ पर द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है, इस वेबसाइट में अंदर जो भी आप डाटा इसमें सबमिट करेंगे वो आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद आपको जो यहाँ सबमिट करेंगे उसके बाद ये जो आपको मैंने बताया है HBL पर्सनल लोन टीम विल कॉन्टैक्ट यू, आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपके साथ इसकी जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।